तो ये वाली वीडियो एग्जाम सीरीज 10 सीबीएसई की 7th वीडियो है। स्टार्ट करने से पहले एग्जाम सीरीज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो एग्जाम सीरीज 10 सीबीएसई में हमने पिछले 5 साल के मैथ्स के पेपर एनालाइज करे और हर चैप्टर हर टॉपिक में से एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है वो क्रैक करने की कोशिश करी है, और इस एग्जाम सीरीज में हम आपको वही क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये वाली वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे होने वाली है, और इस साल सीबीएसई ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला पार्ट था वो हटा दिया है। तो उसको हटाने के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज अराउंड 4 मार्क्स होना चाहिए। तो इस वाली वीडियो के साथ अपन 38 मार्क्स कवर कर लेंगे एग्जाम सीरीज में। एग्जाम सीरीज 10 सीबीएसई के एंड तक पूरे 80 मार्क्स कवर करने वाले हैं अपन। तो एग्जाम सीरीज 10 सीबीएसई के लास्ट में हर वीडियो में उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपकी मिस्टेक्स कम कर देंगे उस टॉपिक में। इस वाली वीडियो में भी पॉइंट्स हैं, आखिरी तक देखना वीडियो को। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी आपके डाउट आए कमेंट में डाल देना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस पे आने से पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पिछले साल पढ़ी थी क्लास 9th में पहली बार, तो वहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए गए थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ते हैं, इसका यूज़ क्या है, पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं, पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं। ये आपने क्लास 9th में पढ़ लिया था। क्लास 10th में इससे थोड़ा अपन आगे जा रहे हैं। यहाँ पे आपको पहली चीज आ रही है इस चैप्टर में, नहीं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल चीज है कि अगर ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है, यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट, अगर आपको इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो अपन फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। पहली चीज डिस्टेंस से रिलेटेड है आपका इस चैप्टर में। तो अगर इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, इस वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है x2, y2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप इस वाले फॉर्मूले से लगाओगे। इस वाले अगर पॉइंट को मैं नाम दे दूं P और इस वाले पॉइंट को नाम दे दूं Q, तो PQ की डिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला है। ये पहली चीज। आगे है आपके पास इस चैप्टर में सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि अगर ये कोऑर्डिनेट प्लेन, यहाँ पे ये एक लाइन है AB, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, अगर इस लाइन के बीच में यहाँ पे एक पॉइंट है P, अब ये जो पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट AB को दो सेक्शंस में डिवाइड कर रही है, AP और PB, और अपने को ये दे रखा है कि ये सेक्शन किस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे कि अभी आपका रेशियो है AP अपॉन PB का रेशियो है 1/3, ये इस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, तो अपन P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है कि हाँ, अपन इसके P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। इसके लिए अपने पास है यहाँ सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला में अपने पास दो फार्मूला है कि पहले तो आपको ये रेशियो दिया हो m/n, मतलब 5:4 में, तो उसकी जगह m की वैल्यू हो जाएगी 5 और n की वैल्यू हो जाएगी 4। इस वाले केस में ये वाला फार्मूला आप लगाओगे, और दूसरा वाला फार्मूला है k:1, मतलब k की जगह अपन पूरा का पूरा 5/4 एक साथ पुट करने वाले हैं। तो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करो आप। ये था आपका सेक्शन फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, तीसरी और लास्ट चीज इस चैप्टर की है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ये आप पहले भी पढ़ चुके हो कि हाफ टाइम्स हाइट टाइम्स बेस होता है वो। लेकिन अगर आपको एक ट्राइंगल दिया है और ट्राइंगल के वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, x2, y2 और x3, y3, तो आप इस वाले केस में एरिया फाइंड कर सकते हो क्या? तो इसका आंसर है हाँ। अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूला ये है। तो मेनली ये तीन चीजें हैं आपको क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। जो भी आपके डाउट्स आए कमेंट में डाल देना, कर लो आप इतना, फिर अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो तो क्वेश्चंस पे आते हैं। तो जैसे अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ट्राइंगल्स में करा था कि डिफिकल्टी इंक्रीज कर रहे थे हर क्वेश्चन के साथ, और हर क्वेश्चन के साथ अपन एक टॉपिक भी कवर करते जा रहे थे, वैसा ही अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी करने वाले हैं। यहाँ पे इस वाली वीडियो में आपको 4 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पिछले 6 पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको पूरा समराइज करते हुए उनको पूरा कवर कर लेंगे, और आपका हर टॉपिक क्लियर भी हो जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन सेक्शन ए का 2020 स्टैंडर्ड में आया था। क्वेश्चन है आपका इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, चलो तो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं a cos theta प्लस b sin theta, 0
इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड, और दूसरा आपको पॉइंट दे रखा है 0 ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, तो आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं ये, आपको इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, और चार ऑप्शन है आपके पास। स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2, इनके बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो आपके पास फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला है, तो x2 x1 की वैल्यू अपन पुट करते हैं, कंपेयर करें अपन, तो x1 की जगह आ रहा है a cos थीटा, x1 की जगह आ रहा है a cos थीटा, y1 की जगह सॉरी x1 की जगह a cos थीटा प्लस b sin थीटा आ रहा है, ये गलती आप मत करना। y1 की जगह है 0, x2 की जगह 0 और y2 की जगह है a sin थीटा माइनस b cos थीटा। तो अपने पास x1 y1 x2 y2 इनकी वैल्यू आ गई, फॉर्मूले में पुट करते हैं अब। चलो तो स्क्वायर रूट x2 की जगह आ जाएगा 0 माइनस x1 की जगह a cos थीटा प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर ये, y2 की जगह a sin थीटा माइनस b cos थीटा, और y1 की जगह 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। चलो तो ये 0 का कोई काम है नहीं, इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ से भी हटा दो, मतलब आपको इनका स्क्वायर करना है। स्टार्ट करते हैं -1, माइनस का आप स्क्वायर करोगे तो वो प्लस हो ही जाएगा, और यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2ab में 2 टाइम्स ए कॉस थीटा टाइम्स बी साइन थीटा, 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, ये यहाँ पे आया। यहाँ पे ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का स्क्वायर करना है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अपन ने स्क्वायर्स खोल लिए हैं और अभी भी ये स्क्वायर रूट में ही है। अब यहाँ पे जो कॉमन निकल रहा है और जो कैंसिल हो रहा है उसे कर देते हैं, 2ab cos थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा, ये हो गया कैंसिल, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से a स्क्वायर अपन कॉमन निकालें तो बचेगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और इन दोनों में से बाकी बची हुई अपने पास दो ही टर्म है, इनमें से अपन b स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, b स्क्वायर निकाल लो, यहाँ बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो अपना अगला सेक्टर होने वाला है एग्जाम सीरीज में, उसमें आपको एक आइडेंटिटी मिलेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू होती है 1, अपन यहाँ रिप्लेस करने वाले, ये हो गया 1 तो ए स्क्वायर टाइम्स 1 ए स्क्वायर, ये भी हो गया 1 बी स्क्वायर टाइम्स 1 बी स्क्वायर, आपका आंसर आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है ये। इसी के साथ अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूला कवर कर लिया। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री थी तो वो भी अपना थोड़ा क्लियर हो गया। कर लो आप इतना, फिर अपन सेक्शन बी वाले अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन सेक्शन बी में था 2019 में। इस वाले क्वेश्चन के साथ आपके दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, पहला वाला सेक्शन फॉर्मूला, दूसरा वाला कि ये वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस से पास हो रही है, तो x एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या कोऑर्डिनेट बनेगा वो भी अपन देख लेंगे, तो आपकी दो चीज यहाँ क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन है आपका फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। चलो तो आपके पास एक, अगर मैं रफ ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ, पहला पॉइंट है 1, -3, 1, -3 ये आपका आना चाहिए कहीं यहाँ पे 1, -3 एंड 4, 5 आपका यहाँ पे आना चाहिए,
इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। आगे है फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, -3 एंड 4, 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। चलो तो जब इन्हें अपन ज्वाइन कर रहे हैं तो ये एक्स एक्सिस पे कहीं इंटरसेक्ट हो रहे हैं, आपको ये रेशियो फाइंड करना है। तो किस रेशियो से ये डिवाइड हो रहे हैं ये आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में, और ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फिर आपको इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करना है। क्वेश्चन ईजी है, स्टार्ट करते हैं। पहले तो नाम दे देते हैं दोनों पॉइंट्स को, ये ए ये बी, और इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन ओ। अब जब आपका कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो हो ही जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट नहीं मालूम तो अपन इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं एक्स कॉमा जीरो। इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, ठीक है। अगर ये आपकी लाइन वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रही होती तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता और वाई कोऑर्डिनेट आपका कुछ भी आप सपोज कर सकते हो वाई, तो उस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाता जीरो कॉमा वाई। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखना। तो अब आपको रेशियो फाइंड करना है तो अपन यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, दूसरा वाला जिसमें आपका के रेशियो वन था, ठीक है। आपका सेक्शन फॉर्मूला है कि अगर आपको ओ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, रेशियो है आपका के रेशियो वन, तो ये होगा के एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन के प्लस वन। ओ का एक्स कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के प्लस वन। ओ का एक्स कोऑर्डिनेट ये, वाई कोऑर्डिनेट ये, के जो है आपका रेशियो है वो अपन फाइंड कर लेंगे। तो ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं अभी अपने एक्स कॉमा जीरो, के, और ए को मैंने यहाँ ले लिया है एक्स वन वाई वन, बी को ले लिया है एक्स टू वाई टू। तो एक्स टू की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ, एक्स टू की जगह आ जाएगा फोर, तो ये मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ फोर के प्लस वन अपॉन के प्लस वन, सॉरी एक्स वन का कोऑर्डिनेट है आपका वन ही है वो, और वाई टू है आपका फाइव, तो फाइव के, वाई वन है -3, फाइव के -3 अपॉन के प्लस वन। अब यहाँ से k की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो यहाँ आप देखो कि ये इक्वेशन है, इक्वेशन में आपके x कोऑर्डिनेट दोनों साइड के इक्वल हो जाएंगे और y कोऑर्डिनेट दोनों साइड के इक्वल हो जाएंगे, अपन यहाँ वही करने वाले। तो अगर मैं x कोऑर्डिनेट को इक्वल करूँ x इज इक्वल टू 4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, तो कुछ नहीं निकलेगा वहाँ से, क्योंकि ना अपने पास x की वैल्यू है ना k की वैल्यू है। तो अपन यहाँ पे इक्वल करने वाले हैं y कोऑर्डिनेट्स को, 0 इज इक्वल टू 5k -3 अपॉन k प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी k प्लस 1 टाइम 0 0, 0 इज इक्वल टू 5k -3, -3 यहाँ लाओ तो 3 इज इक्वल टू 5k, k आपका होगा 5, यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो 3 अपॉन 5। तो आपको रेशियो मिल गया कि ये वाली लाइन x एक्सिस से 3 रेशियो 5 में डिवाइड हो रही है। आगे बढ़ते हैं अपन, आपको O वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट तो है अपने पास, तो अब यहाँ से अपन इसके x कोऑर्डिनेट इक्वल करने वाले हैं, तो x इज इक्वल टू 4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, x इज इक्वल टू 4 टाइम्स 3 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 3 अपॉन 5 प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं, 4 टाइम्स 3 12, तो x की जगह 12, एलसीएम भी ले लो 12 प्लस 5 अपॉन 5, यहाँ पे 3 प्लस 5 अपॉन 5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, आपका x कोऑर्डिनेट आएगा 12 प्लस 5 17, 3 प्लस 5 8, तो आपका x कोऑर्डिनेट आ गया 17 अपॉन 8। O का आपका कोऑर्डिनेट है 17 अपॉन 8 कॉमा 0। तो इसी के साथ अपने यहाँ पे दोनों पार्ट्स हो गए, रेशियो भी फाइंड हो गया और आपका कोऑर्डिनेट भी फाइंड हो गया, और अपने दोनों कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए। जो भी आपके डाउट्स है कमेंट में डाल देना, कर लो इतना, फिर अपन अगले वाले क्वेश्चन सेक्शन सी वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन 2016 में आया था सेक्शन सी में। क्वेश्चन से आपका जो आपके प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो इस वाले क्वेश्चन के साथ अपना क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन है आपका इफ ए पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, तो आपको एक पॉइंट दे रखा है पी जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए, ए के कोऑर्डिनेट है ए प्लस बी कॉमा बी माइनस ए, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी, और बी के आपके कोऑर्डिनेट्स हैं ए माइनस बी ए प्लस बी,
ए माइनस बी और ए प्लस बी। चलो तो आपको प्रूफ करना है बी एक्स इज इक्वल टू ई वाई। टू प्रूफ बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई, ऐसा ही क्वेश्चन प्रूफ करने वाला सेक्शन बी में भी आया था। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आपको दे रखा है पी जो है इक्विडिस्टेंट है दोनों पॉइंट्स ए और बी से। इक्विडिस्टेंट का क्या मतलब है कि अगर पी की डिस्टेंस ए से 5 यूनिट्स है तो पी की डिस्टेंस बी से भी 5 यूनिट्स है, मतलब दोनों की डिस्टेंस पी से इक्वल है। आगे की बात समझ में। क्वेश्चन में उन्होंने दे रखा है कि पी ए जो है आपकी वो इक्वल होगी पी बी के। इक्विडिस्टेंट दे रखा है, इसको ही अपन यूज करने वाले हैं क्वेश्चन को प्रूफ करने में। तो अगर अपन पी ए निकालें तो ये आपका हो जाएगा एक्स वन वाई वन, ये हो जाएगा एक्स टू वाई टू। अगर मैं डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दूं तो ये होगा आपका एक्स टू माइनस एक्स वन में ए प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 में b माइनस a माइनस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू pb। अब pb की डिस्टेंस निकालनी है आपको, ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर a माइनस b माइनस x होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर a प्लस b माइनस y होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट दोनों साइड है तो दोनों साइड अपन अगर स्क्वायर करें तो स्क्वायर हट जाएगा अपना। चलो दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। और उसके बाद अब मैं इसके पैर में स्क्वायर करने वाला हूँ। ये तीन टर्म्स हैं तो मैंने ए प्लस बी एक टर्म ले ली, बी माइनस ए एक टर्म ले ली, ए माइनस बी एक टर्म ले ली और ए प्लस बी एक टर्म ले लिया। चलो तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब देखो ये एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, मतलब ये a plus b whole square वाला अगर अपन फॉर्मूला लगाएं तो a square plus b square plus 2ab, a square में ये हो गया, b square में x square। ये मैंने करा क्यों, ये मैं आपको बताने भी वाला हूँ, क्वेश्चन आखिरी तक देखना। b square में हो गया x square, 2ab में minus 2ab आ गया, तो minus 2 times x a plus b हो गया इतना। अब इसका स्क्वायर करते हैं, b minus a एक टर्म, y एक टर्म, तो अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो b माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस टू वाई बी माइनस ए। तो ये साइड आपकी ये है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर करते हैं, a माइनस बी एक टर्म x दूसरी टर्म, तो a माइनस बी होल स्क्वायर में a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस टू एक्स ए माइनस बी, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई ए प्लस बी। चलो तो अब मैंने इनको एक टर्म क्यों सपोज करा, क्योंकि अब ये डायरेक्ट यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर दोनों साइड पे आ गया, इजीली कैंसिल हो सकता है। अगर आप इन तीनों का स्क्वायर कर देते तो आपके पास सिक्स टर्म्स आ जाती, 6666 24 टर्म्स आ जाती, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती। अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना पड़ रहा, इतना इजी हो गया वो। चलो तो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, a प्लस बी होल स्क्वायर दोनों साइड पे आ रहा है, ये हो गया कैंसिल। फिर आपके पास x स्क्वायर दोनों साइड पे आ रहा है, y स्क्वायर दोनों साइड पे आ रहा है, ये भी हो गया कैंसिल। चलो और क्या कैंसिल हो रहा है, और तो कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा कैंसिल होते हुए। यहाँ पे b माइनस ए होल स्क्वायर है, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर है, इसको पहले अपन सेम कर लेते हैं फिर कैंसिल कर देंगे। तो ये है आपका माइनस टू एक्स ए प्लस बी प्लस, अगर मैं इनमें से माइनस वन कॉमन निकाल लूँ दोनों में तो आपके पास बचेगा a माइनस बी और होल स्क्वायर तो हो ही रहा है। अब माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन टाइम्स माइनस वन, ये प्लस वन ही होता है, तो ये हटा। अब आपको स्क्वायर करना है a माइनस बी होल स्क्वायर का, इसलिए अपन ने ऐसा करा है। चलो और ये भी बचा है माइनस टू वाई बी माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, और माइनस टू एक्स ए माइनस बी माइनस टू वाई ए प्लस बी।
ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर दोनों साइड है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ अंदर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर चाहो तो टू कॉमन निकाल लो, माइनस टू कॉमन निकाल लो, माइनस टू कॉमन निकला। यहाँ पे x टाइम्स ए एक्स ए, x टाइम्स बी एक्स बी, यहाँ पे y टाइम्स बी वाई बी, यहाँ पे माइनस टू अपन कॉमन निकाल ही चुके हैं, और y टाइम्स माइनस ए माइनस वाई ए, यहाँ पे भी अगर माइनस टू कॉमन निकल गया अपना, तो x टाइम्स ए, x टाइम्स माइनस बी माइनस एक्स बी, y टाइम्स ए वाई ए प्लस वाई बी। चलो तो माइनस टू से माइनस टू भी कैंसिल हो गया, आपके पास फाइनली ये बचेगा कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल प्लस वाई बी माइनस वाई एक्स सॉरी वाई ए इज इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस वाई ए प्लस वाई बी। क्या क्या कैंसिल हो रहा है आपका, वाई बी कैंसिल हो गया, उसके बाद एक्स ए भी कैंसिल हो गया, बचा आपके पास फाइनली एक्स बी इज इक्वल टू, अच्छा ये बच रहा है, चलो साइंस भी सेम होने चाहिए दोनों में कैंसिल होने के लिए। अब मैं इसके आगे यहाँ करता हूँ, तो यहाँ पे है एक्स बी माइनस वाई ए, एक्स बी माइनस वाई ए इज इक्वल टू माइनस एक्स बी प्लस वाई ए, माइनस एक्स बी प्लस वाई ए। चलो तो वाई ए को यहाँ, माइनस वाई ए को यहाँ ले आओ, माइनस एक्स बी को भी यहाँ ले आओ, तो ये एक्स बी प्लस एक्स बी हो गया, ये हो गया वाई ए प्लस वाई ए, टू एक्स बी टू वाई बी, टू से टू कैंसिल, जो प्रूफ करना था हो गया। तो क्वेश्चन तो सिंपल था, डरना मत इसको देख के कि कितना बड़ा स्क्वायर करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, प्रैक्टिस में लाओगे तो ईजिली हो सकता है आपका। अगर आपके जो भी इसमें डाउट्स हो मेरे को कमेंट में बता दो, मैं वहाँ उन्हें सॉल्व कर दूंगा। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, अगर वीडियो में अभी तक रुक गए हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो तो पहला वाला पॉइंट और एक यही पॉइंट है अभी मेरे पास कि जो आपने दो फॉर्मूले देखे सेक्शन फार्मूला में, पहला वाला आपका फार्मूला था एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एन प्लस एन, दूसरा वाला आपका फार्मूला था, अरे सॉरी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कंप्लीट करते हैं इसको, प्लस एम प्लस एन। सेक्शन फार्मूला में एक फार्मूला ये था और एक और फार्मूला था आपका के एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन के प्लस वन, के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के प्लस वन। तो एक कॉमन कंफ्यूजन ये होती है कि अगर आपको सेक्शन फार्मूला में कोई क्वेश्चन आया तो आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करो और कौन से फार्मूले से आपका आंसर जल्दी आ जाएगा कौन सी सिचुएशन में। तो इस वाले पॉइंट के साथ आई होप कि वो आपका क्लियर हो जाए कि जैसे अपन ने एक क्वेश्चन करा था इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन, उसमें आपको पहले रेशियो फाइंड करना था, तो जब आपको रेशियो फाइंड करना हो तो मैं प्रेफर करता हूँ कि ये वाला फार्मूला यूज़ करूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ k है, सिर्फ आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर रेशियो फाइंड करने वाले में अगर आप ये वाला फार्मूला लगा दो तो एम एन आपको दोनों की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, वो दो इक्वेशन बनेगी, फिर उन्हें सॉल्व करना वो बड़ा लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करो तो यहाँ तो सीधी डायरेक्ट k की वैल्यू आ जाएगी रेशियो वाले की। चलो तो ये वाली अपनी सिचुएशन थी कि जब आपको रेशियो फाइंड करना हो, अगर आपको क्वेश्चन में रेशियो दे दिया हो, आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तब मैं प्रेफर करता हूँ कि ये वाला फार्मूला यूज़ करूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको एलसीएम कहीं नहीं लेना पड़ रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ आपको रेशियो दे दिया 1/3, तो आपको यहाँ पे हर जगह रेशियो जहाँ पे के की वैल्यू है वहाँ पे आपको इसका एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो ये था आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको रेशियो फाइंड करना है तो ये वाला यूज़ करना फार्मूला, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो ये वाला यूज़ करना फार्मूला। आई होप कि आपका क्लियर हो गया हो। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म, 41 मार्क्स अपने कवर हो गए, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, गुड बाय।